मंगलवार को रिपोर्ट सौंपेगी सर्वे टीम। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि बगैर रिपोर्ट के आए और कोर्ट ने सीआरपीएफ को और किसी को ऑर्डर किया है कि नहीं साहब आप वहाँ ताला बंद कर दीजिए, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी, मैंने नमाज और वजू की इजाज़त नहीं होगी, बगैर मैंने रिपोर्ट के आए हुए ये जो है आदेश हो गया। दूसरे तरफ दूसरा जो पक्ष है उसके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब जो ये दावा हो रहा है कि शिवलिंग मिला है वहाँ 12 फीट 8 इंची का मैंने लंबा जो है शिवलिंग मिला है वो फवारा है और उससे पानी निकलता है, उससे लोग वजू करते हैं, तो ये उनका दावा है और दावा है तो ये मामला जो है विवादास्पद बना हुआ है। अब इसका फैसला कैसे होगा? इस बीच में सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस वगैरह दिया है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से उसका एक बार जो है सर्वे करवा लेना चाहिए, मुआयना कर लेना चाहिए, पारदर्शी ढंग से जो भी निर्णय हो पारदर्शी ढंग से हो ताकि मैंने किसी को भेदभाव की शिकायत की गुंजाइश जो है नहीं रहे, यही सबसे बेहतर होगा। जिस इलाके में शिवलिंग मिला है उसे सील करें, सीआरपीएफ तैनात करें, कोई वजू नहीं किया जाना चाहिए, कोर्ट ने प्रशासन को यह आदेश दिए। तो आप कह रहे हैं कि मंगलवार को कहा कि ये करेंगे ऑर्डर करेंगे, अभी रिपोर्ट भी शायद सबमिट नहीं हुई है, इस तरह का आदेश कैसे कोर्ट ने दे दिया? अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो वादी है उसका वकील जो है लिख करके मैंने उनको दिया कि ऑर्डर कर दीजिए, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। नहीं जानते हैं झूठ क्या है सच क्या है, लेकिन ये मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में ही चल रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से उसका जो है निष्पादन करे और अपने निगरानी में उसका सर्वे करावे, और सर्वे जो है जो इसके विशेषज्ञ लोग हैं और हमको लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा हो ये ज़्यादा बेहतर है। ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का विरोध किया है और कहा है कि बाबरी मस्जिद को खो दिया, दूसरे नहीं खोना चाहते। देखिए ओवैसी जो है मैंने ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ मैंने दिमाग सिर फिरे लोग हैं, तो हर जगह हैं, वैसी जो भाषा बोलते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है और भारतीय जनता पार्टी जो कार्रवाई करती है उससे ओवैसी जैसे लोगों को मदद मिलती है। तो ये जो कट्टरपंथी लोग हैं मतांत लोग हैं ये एक दूसरे को मदद जो है पहुंचाते रहते हैं। अब इनके चक्कर में अगर समाज पड़ेगा चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो तो देश का और समाज का भला नहीं होगा। कर्नाटक में हिंदुओं को टीपू सुल्तान की मस्जिद में प्रार्थना करने दिया जाए, दक्षिणपति समूह ने मांग की। देखे ना वहाँ कर्नाटक में मैंने जो कोर्स की किताबें हैं सरकार ने भगत सिंह के मैंने का जो चैप्टर था उसको हटा के और हेडगवार साहब का भाषण जो है वहाँ डाल दिया, अब उसका जो है विरोध हो रहा है। अभी क्या मतलब है भाई, कहाँ भगत सिंह और कहाँ जो है हेडगवार साहब? अब भगत सिंह को आप रिप्लेस कर दीजिए हेडगवार साहब से तो इससे बड़ा राष्ट्रीय शर्मिंदगी की विषय क्या हो सकती है। तो देखिए टीपू सुल्तान के बारे में भी अरे हम लोग जो है पढ़ते रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई जो है टीपू सुल्तान से ही हुई और टीपू सुल्तान पराजित हुआ तब यह माना गया कि संपूर्ण भारतवर्ष पर मैंने अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और वही एक आदमी है जिस जो हाथ में तलवार लेकर के अपने फौज के सिपाहियों के लाश के बीच में उसकी लाश मिली और अंग्रेजों से जम करके लड़ा और उस वो बिल्कुल एक आधुनिक मिजाज का जो है शासक साबित हुआ। अब ये लोग कहते हैं कि उसने हिंदुओं का कत्ल किया, भाई वो राज था जैसे हिंदू राज था और पड़ोसी राज पर कब्जा करना चाहता था दूसरा हिंदू ही था, युद्ध होता था, उसी तरह से टीपू सुल्तान का भी वहाँ जो है उस अपने मैंने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध हुआ, उसमें ये हुआ, उसको लेकर के उसको कॉम्युनल निकाह से जो है देखा जाए। एक बार प्रचार हुआ कि टीपू सुल्तान ने ब्राह्मणों को कन्वर्ट कराना चाहा इस्लाम में और कितना किलो जो है
जनेऊ, ब्राह्मण लोगों ने जो आत्महत्या किया उनका जो जनेऊ दवा किया वो किलो में वजन था। अब ये किसी के हाथ में ये बात लगी, जो इतिहासकार आदमी था उसने लेखक से पूछा कि आपको कहाँ से मिला भाई। अब लेखक बाएं दहिने करने लगे। तो इतिहास में कोई इस धर्म से विकृत किया गया है अपने अपने मानसिकता के हिसाब से, जिसका खामियाजा जो है मैंने बाद में लोगों को समाज को भोगना पड़ता है। ताजमहल, कुतुब मीनार क्या क्या बंद करोगे? यहाँ 50% पर्यटन तो वो देखने के लिए आता है जो मुगलों ने बनाया है, 50% लोग यहाँ सिर्फ ताजमहल देखने के लिए आते हैं। जितनी भी विरासत है उसमें मुगलों का सबसे बड़ा हाथ है, उसके बाद बचा हुआ पर्यटन कश्मीर देखने आता है। पीडीपी प्रमुख अब देखिए बात में तो सच्चाई है, मैंने आज के दिन भी 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं वो भी मुगल का ही बनाया हुआ है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे यहाँ जो माने यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, या हमारे यहाँ राजकीय अतिथि भी जो आते हैं वो आगरा ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं। अच्छा, उसके बाद महबूबा कह रही हैं कि साहब हमारे यहाँ कश्मीर में आते हैं, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो ये देखिए मुगल लोग जो है वो बनाने में, एक तो उन लोगों ने बागीचा बहुत शानदार बनाया, एक से एक श्रीनगर में ही उनका बागीचा है, या जहाँ गए बागीचा बनाया ही, वो उनके संस्कार में था। और भव्य महल बनाए, अब उनके बारे में एक शिकायत होती है उनका जो निर्माण है कि उनकी उनको सीढ़ी कायदे का बनाने नहीं आता था, और उसका नतीजा ये हुआ कि हुमायूं जो है वो सीढ़ी से ही गिर करके मर गया था। तो सीढ़ी कोई नहीं, आप राजस्थान में जाइएगा वहाँ भी देखिएगा, हमारे राजपूत जो राजा रहे हैं सीढ़ी जो है छो मैंने एक एक फीट का ऊंचा देह दिखाई देता है, हम लोगों के उम्र के आदमी का दम कवर जाए। तो एक्चुअली देखने के लिहाज से उस काल में, मुगलों के काल में जो निर्माण हुआ है, अधिकांश तो लोग देखने के लिए वही जाते हैं।